चलिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं शॉर्ट पुट पोजीशन के बारे में। शॉर्ट पुट पोजीशन ट्रेडर्स तब लेते हैं जब उन्हें लगता है मार्केट बढ़ने वाला है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लर्न मोर अबाउट दिस इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी। हाय, आई एम ऋषभ शर्मा एंड दिस इज एस्प्रेसो बूटकैंप। हियर यू विल लर्न स्किल्स दैट विल हेल्प यू नेविगेट योर स्टॉक मार्केट जर्नी। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे What is short put option strategy? Next, we will study when is the right time to design a short put trade. Difference between short put and long call strategy. Factors to keep in mind while keeping a short put trade. Friends, सबसे पहले हम समझते हैं what is short put. Shorting the put option simply means selling the put option. एक ट्रेडर पुट ऑप्शन को हायर रेट में बेचकर लोअर रेट में खरीद लेगा या फिर उसे जीरो भी होने देगा एक्सपायरी तक होल्ड करके। इफ द मार्केट राइजेस इट विल मेक द पुट ऑप्शंस प्राइसेस फॉल एंड एन ऑप्शन सेलर विल मेक मनी बाय सेलिंग द पुट ऑप्शंस। अगर आप शॉर्ट पुट ऑप्शन के पे ऑफ डायग्राम को देखोगे तो यू विल नोटिस दैट शॉर्ट पुट्स हैव लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ इनकरिंग अनलिमिटेड लॉस। इस स्ट्रैटेजी का ब्रेक इवन होगा स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम कलेक्टेड। चलो दोस्तों, नाउ लेट्स सी व्हेन शुड वी आइडियली एग्जीक्यूट अ शॉर्ट पुट ट्रेड। शॉर्ट पुट ऑप्शन स्ट्रैटेजी को ऑप्शन ट्रेडर तब ही यूज करता है जब वो सोचता है दैट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट मे स्लोली राइज इन द नियर टर्म। द बेस्ट सिचुएशन अंडर विच अ शॉर्ट पुट ट्रेड कैन बी क्रिएटेड इज व्हेन द इंप्लाइड वोलेटिलिटी इज हाई। इस तरह ट्रेडर्स अच्छा प्रीमियम कमा सकते हैं जो उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंप्रूव करने में काफी हेल्प करता है। फॉर डिस्कवरिंग द बेस्ट वोलेटिलिटी टू सेल अ पुट द ट्रेडर कैन यूज द इंप्लाइड वोलेटिलिटी रैंक और इंप्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल। अब देखते हैं कि एक शॉर्ट पुट स्ट्रैटेजी और लॉन्ग कॉल स्ट्रैटेजी में क्या फर्क है। वैसे तो दोनों ही स्ट्रैटेजीज में आप प्रॉफिट अर्न करते हैं जब मार्केट गिरता है, पर फिर भी दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है and that is one is bought and other is sold. देखिए, long call में आपको profit unlimited होता है and आपका risk सिर्फ उतना ही है जितना आपने premium pay करा है, but short put में आपका profit बहुत limited होता है and risk unlimited होता है. However, it is always suggested to use a stop loss while taking any trade. चलिए अब एक नजर डालते हैं उन फैक्टर्स पर जिनको कंसिडर करके ही आपको शॉर्ट पुट ट्रेड्स करने चाहिए। ट्रेडर्स को अंडरलाइंग एसेट के प्राइस चेंज का इंपैक्ट उनके शॉर्ट पुट ट्रेड पर क्या पड़ सकता है उसको ठीक से एसेस करना आना चाहिए। ट्रेडर्स को वोलेटिलिटी पर भी खास ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सेलर्स नॉर्मली ट्रेड्स प्रेफर करते हैं हाईली वोलेटाइल एनवायरनमेंट में, क्योंकि हाई वोलेटिलिटी की वजह से उन्हें ज्यादा प्रीमियम मिलता है। The next important factor to consider is the impact of time. Interestingly, a short put trade can end up in profit even if the direction is wrong, but has failed to cross the break-even point by the time of expiry. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। Tell us what you think of this video in the comment section below and make sure to like, share and subscribe. मिलते हैं ऐसे ही एक और interesting video में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.